अभिनंदन करते हैं कि आज मेला के इस हिंदी वाले दिवस में आप पधारे हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत आभार कि आज तमाम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य आप पधारे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शिवराज सर से कि आप उनको मंच पर ही ले आइएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री भानु भारती सर हमारे बीच हैं। रंगमंच की दुनिया में जो एक जाना माना नाम है और कोई ऐसी व्यथा नहीं है कला के क्षेत्र में जो आपसे अछूती रही हो। कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे स्टूडेंट हैं आपके जो आज विश्व पटल पर छाए हैं और अपने गुरु के नाम को दुनिया के समक्ष रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, हम उन जड़ों के पत्ते हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत से हमें सींचा है। बहुत सारे नाम हैं। जब मैं पहली बार दिल्ली में परम पूज्य गुरुदेव से मिला था, मैंने फिरोज शाह में इनका एक प्ले देखा था तुगलक, और तुगलक प्ले में जब यशपाल शर्मा लीड कर रहे थे, सर ने डायरेक्ट किया था, कितने ही सारे लोग वहाँ थे, यशपाल शर्मा, हिमानी शिवपुरी और भी खूब सारे लोग। तो तब बड़ा विशेष दिन था मेरे लिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सर के दिग्दर्शनों का। आज सर हमारे बीच है, सर वेलकम आपका एक बार पुनः। और आज का जो सत्र है मेरे लिए साहित्य के मायने, इसमें हम सर का आशीर्वाद चाहेंगे, सर से खूब सारी बातें हम करेंगे और बड़ा ही सौभाग्य है आज हम सबके लिए। मैं इस कड़ी में आज के इस दिन जो हमारे दूसरे अतिथि हैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो मध्य प्रदेश भोपाल की धरती से हमारे बीच पधारे हैं। साहित्य में बहुत बड़ा दखल जिनका रहा है, जो लंबे समय से साहित्य के साथ, कला संस्कृति के साथ, समसामयिक विषयों के साथ जुड़े रहे हैं और आप निरंतर साहित्य की सेवा कर रहे हैं एक बड़े ही लंबे समय से। आप सरकारी नौकरी में भी रहे, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ आप साहित्य की इस सेवा के साथ निरंतर जुड़े रहे और भारत भवन कर्मचारियों द्वारा आपको सम्मानित किया गया। संत श्री राम नरेशाचार्य जी द्वारा श्रीमठ बनारस सम्मान आपको मिला और बैतूल में आपको सम्मानित किया गया, गोदावरी धाम कोटा में आपको सम्मान, अनेकों अनेक का सम्मान है जो आपको मिले हैं आपकी साहित्य सेवा के लिए। तो ऐसे अतिथि हमारे बीच हैं श्री भंवर लाल जी श्रीवास साहब। मैं भंवर लाल जी श्रीवास साहब से निवेदन करूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियों के साथ वो इस मंच पर पधारें। और इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे बीच के हमारे ही अग्रज, हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे मित्र, जिनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है और उस मार्गदर्शन के साथ साथ उनकी कला का दर्शन भी करने को हमें मिला। कल हमने जब देखा कि किस तरह से रंगों से खेलते हुए वो खूबसूरत चित्र उकेर देते हैं, किस तरह से कोरे कागज़ पे खूबसूरत तस्वीर वो उभार देते हैं और रंगों को रंगों में रंगना कोई उनसे सीखे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। भाई श्री चेतन जी औदिच्य हमारे बीच हैं। मैं भाई चेतन जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं, उससे पूर्व मैं एक छोटी सी भूल सुधार कर लेता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। हमारे गुरुदेव हमारे मध्य हैं, आदरणीय श्री महेंद्र मोदी जी, और आपका लंबा सफ़र रहा है, बहुत ही लंबा सफ़र रहा सर, प्लीज़ मंच पर पधारिएगा। आप विविध भारती से रिटायर हुए हैं, आप रेडियो से जुड़े रहे हैं, आपको महाराष्ट्र हिंदी साहित्य एकेडमी अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है और इस सत्र के दौरान, जब पिछले एक हफ्ते से जब आप हमारे साथ हैं, इसी दौरान आपको एक और पुरस्कार प्रदान किया गया है, किंतु आप उसे प्राप्त करने के लिए वहाँ नहीं गए बल्कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे। माया मोहन अशोक सृजन अवार्ड 2018 आपको मिला और कितने ही ऐसे पुरस्कार हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं, वर्षों तक रेडियो की सेवा आपने की और आखिर में विविध भारती से आप रिटायर हुए। और नाटक की दुनिया हो या लेखन की दुनिया हो या शब्द शिल्प की दुनिया हो,
आपका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और आज आप हमारे बीच हैं, बहुत अभिनंदन, आभार सर आपका। भाई श्री चेतन जी से आग्रह कि मैं इस सत्र को हम सब लोग आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पधारे हुए तमाम अतिथियों का हम उपरना पहना कर सत्कार करें। मैं शिवराज सर से आग्रह करना चाहूँगा, सो प्लीज आप आइएगा। मैं भाई श्री गोरीकांत जी से आग्रह करना चाहूँगा, प्लीज़ आप आइएगा। श्री सुरेश सालवी जी से निवेदन करना चाहूँगा, आप आए और दुपट्टा पहना कर आप सत्कार करें, आप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप सत्कार करें। और साहित्य की ये जो सरिता बह रही है, उस सरिता का आगाज आप सब लोगों के हाथों से आज होने जा रहा है। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। ये बहुत सुंदर पल है जब हम इतने सारे विद्वानों को एक साथ देखते हैं और इतने सारे सुधी श्रोता एक साथ बैठकर इतने सारे लोगों को सुनते हैं, बड़े ही अद्भुत पल होते हैं। और वैसा ही समय आज हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सुरेश जी से, चेतन भाई को भी दुपट्टा पहनाइएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये बड़ों का यही बड़प्पन होता है कि वो हमेशा नींव में रहना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रहकर बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए, मेरे लिए साहित्य के मायने इस सेशन के साथ हम जुड़ जाते हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अब बागडोर भाई श्री चेतन जी संभालेंगे। चेतन जी औदित्य साहब, मौलिक संस्थान के आज इस